बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, प्यारे प्यारे ज़िम्मेदार भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा जहाँ कहीं भी खुश रखे। आज हम जिस खेत में मौजूद हैं ज़िम्मेदार भाइयों, यहाँ जो है ये करेले की काश्त की हुई है एक हमारे ज़िम्मेदार साथी ने। तो करेले के बारे में मुकम्मल मालूमात इनके बजाई के हवाले से, इनको फरोख्त करने के हवाले से, इनकी पैदावार के हवाले से, प्रॉफिट के हवाले से सारी गुफ्तगू आ रही इंशाल्लाह हम बाबा जी से करेंगे। बाबा जी ने लगाए हुए करेले और इसकी बेलें ऊपर चढ़ा रहे हैं, ये सारा तरीका कार हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जी सेहत भी ठीक है माशाल्लाह? हाँ जी सही है। एक करेले लाए हैं जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह बड़ी गल है। तो एक कितनी देर होगी लगाए हुए जी? जी 2 महीने हो गए। अच्छा तो किन्ने साल तो लगा रहे हो? जी 5वां साल जा रही है। अच्छा 5वें साल, यानी कि 5 साल का तजर्बा है माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी बड़ी गल है बड़ी गल। अच्छा 2 महीने हो गए ने इन्होंने लाए हुए? ए 2 महीने की बेल हो चुकी है। हाँ जी 2 महीने। यानी कि तुम दिसंबर च लाए ने, फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ए 3रा महीना सही माशाल्लाह। अच्छा बाबा जी इनका बीज लगता है या पनीरी वगैरह या की सारी तफसील? बीज लगता है बीज। अच्छा बीज लगता है सही। ए खेड़ा बना के उत्ते ला देना? हाँ जी उत्ते ला। पानी दे विच या कुछ? पानी चलाने हैं। पानी दे चलाने। अच्छा सही। तो ये जड़ा फल लेंदा जो करेला कितनी देर बाद उतरन लग जाता है? जी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद सही। यानी कि हूँ लग रहा उसी फिर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो नाज़रीन मैं ये लग रहा है करेला, इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये तफसील पूछ लें कि ये बेलें चढ़ाने का, ऊपर चढ़ाने का क्या मकसद है और इसकी पैदावार के हवाले से और बचत के हवाले से बाबा जी से बात करते। अच्छा बाबा जी ए जड़ियाँ बेलों उत्ते बल्ला चाढ़ रही ने, हाँ जी हाँ जी, इनका की मकसद है? ये बल्ला उत्ते उत्ते चाढ़ जाते उत्ते ये पहले पहले फुल लग से फुल फुल लग के मो करेला ये लग रहे हैं। ए फुल लग रहे हैं? हाँ जी फुल लग से फिर करेला लग सकता। अच्छा तुम कह रहे हो भी एक बार चढ़ावनी पैदा फिर थले फिर डिग दिया? हाँ उत्ते मोह चढ़ावनी है सही, फिर उत्ते दोबारा चढ़ा। ये वक्त तो बड़ा ज्यादा है, इन बचत फिर की होती? बचत सही हो जाती। अच्छा माशाल्लाह तकरीबन 1 किले चू किन्नी बचत हो जाती? 1 किलो 2 लाख। 2 लाख। अच्छा तो नाज़रीन एक एकड़ में से 2 लाख रुपए बचता है, अगर 3 महीने बाद 1 एकड़ में से 2 लाख बचे तो ये तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बाबा जी से इसके खर्चे के हवाले से बात करते हैं। बाबा जी इस पर खर्चा कितना है, यानी कहते थे खर्चा कितना हो जाए बीज वगैरह? खर्चा जो हो जाएगा तो 50,000। 50,000 खर्चा हो जाता है। इनू पानी वगैरह खाद वगैरह पानी वगैरह कितने दिन बाद लगता है? पानी है ना जी 8 महीने पानी लगता है। 8 दिन बाद पानी लगता है। खाद? खाद 8 महीने पड़ती है। 8वें दिन खाद? एक थैला किलो। अच्छा सही माशाल्लाह। तुसी इत्थे किला लाया जी? नहीं नहीं साढ़े 5 किलो। अच्छा 5.5 एकड़ माशाल्लाह बड़ी। ये ऐ जेड़ा लिया है धागा ऐ डोर, ऐ कुछ स्पेशल इंदी हुंदी? हां जी ये वर्कशॉप च दिंदे। वर्कशॉप च पकड़ लेंगे यानी कि करेले की जी वर्क? हाँ। अच्छा सही। तो फिर ये जो इतों पटते तो इन मंडी लैके जाते? हाँ जी सही। करेले का रेट भी बड़ा होगा? हाँ बड़ा होता है, काट के शामी रक्स बार दिता। अच्छा तो मंडी जाता ही आया हम मजदूर लाए? हाँ जी हाँ जी ये जाइदार लाए मजदूर। अच्छा सही चलो बड़ी गल। अगे की लाया? और अगे मरचा लगी हुई? अच्छा मरचा है। चलो जी नाज़रीन ये देखें, ये सारी तफसील आज आपको इस वीडियो में बताई है। तो आप भी करेला जो है वो ये लगाएं तो 1-3-4 महीने में 1.5 लाख रुपए तकरीबन 2 लाख रुपए बचत होती है इसकी। तो ये ज़रूर ट्राई करें। अगर मज़ीद मालूमात लेनी हो तो बाबा जी का नंबर मैं आपको स्क्रीन पे जो है वो दे दूँगा, आप बाबा जी से राबता भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।